इस बारे में दो तीन चीजें मैं कहना चाहूंगी. पहला तो जो बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग. और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है, वो एक कस्टमाइज बैग है. और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो एक कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है. और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूं, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती. पर मैंने ना कथा करने से पहले, ना अभी, और मैं आगे की भी गारंटी लेती हूं कि मैंने कभी लेदर यूज नहीं किया, ना मैं कभी करूंगी. तो पहली ये चीज. दूसरी, आप ने जो बात कही कि मोह माया से दूर, तो जो सच में जिन्होंने मेरी कथा अटेंड की होगी, जिन्होंने कथा सुनी होगी, उनको अच्छे से पता है कि मैं ये बात कभी नहीं कहती. मैं हमेशा एक बात कहती हूं, और मैं आपको वो वीडियो भी जरूर दूंगी जो आप इसके साथ अटैच कर दीजिएगा, कि मैं कथा में कहती हूं कि मैं आपसे कभी नहीं कह रही कि आप पैसे मत कमाइए, अरे सब मोह माया है, सब त्याग दो. हमने नहीं त्यागा तो हम आपको कैसे बोले. सो आई हैव बीन वेरी क्लियर डे वन से कि पहला, मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं हूं. मैं एक नॉर्मल लड़की हूं, नॉर्मल घर में रहती हूं, परिवार के साथ रहती हूं. आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूं. परिवार है, दोस्त है, रिश्तेदार है. जब खुशखबरी आती है तो हम सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, परिवार के साथ बाहर घूमने भी जाते हैं. यानी एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं. और ये मैंने हमेशा से क्लियर रखा है. मैंने कभी नहीं बोला मैं साधु या संत साध्वी हूं, या मैंने वैराग्य ले लिया है, या किसी को लेना चाहिए. यहां तक कि मैं यूथ से कहती हूं कि आप मेहनत करिए, कमाइए, अपने आप को एक अच्छा जीवन दीजिए, अपने परिवार को अच्छा जीवन दीजिए, अपने सपने पूरे करिए. तो जिन्होंने सुना होगा उनको पता है कि मैंने ये बात बोली नहीं, तो शायद मेरा जीवन कोई शौक नहीं है. कह रहे इन्होंने ऐसा क्यों कहा, हमें तो त्यागने को कहती है. मैंने किसी को त्यागने को नहीं कहा. आप जैसे ऑलवेज देखा गया है कि अब मेटरिज्म की बात करती है, लेकिन एक ब्रांड को यूज करना, अलग अलग ब्रांड को यूज करना, जो कि ट्रोलर्स भी आपको, आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया पे किस तरह से बोल रहे हैं, तो क्या ऐसा है कि आप वाकई ही ब्रांड्स यूज करते हो? ब्रांड्स कोई ब्रांड्स देख के यूज नहीं करता. आप कहीं जाते हैं, आपको कुछ पसंद आता है, आप वो खरीदना चाहते हैं. आप अगर आज कई उसको देखेंगे, कुछ कहते हैं अरे मुझे वो जूता खरीदना है, मुझे बड़ा पसंद आया था, मुझे ये कपड़ा खरीदना है, मुझे बड़ा पसंद आया था. अगेन आई विल से, मैंने जैसा कहा, मैं भी आप जैसी ही हूं कि अगर मैं कुछ काम कर रही हूं और उसके बदले मुझे अगर कभी कोई चीज अच्छी लग जा रही है, हाँ मेरे कुछ प्रिंसिपल्स है जिसमें से एक ये है कि मैं लेदर यूज नहीं करती, कभी नहीं किया, तो मेरे कोई सामान में है भी नहीं. लेकिन अगर मुझे कोई चीज पसंद आई है तो मैं उसको खरीदती हूं. अगर मुझे लग रहा है कि मैं खरीद सकती हूं तो मैं जरूर उसे, मेरे लिए नहीं, अपने परिवार के लिए भी, अपने दोस्तों के लिए भी. अगेन आई विल से, जो मैंने आपको भी कहा कि मेहनत करिए, कमाइए, ताकि अपने परिवार को, अपने आसपास वालों को और खुद को एक अच्छा आरामदायक जीवन दे सके. लेकिन उसके साथ मेरा कनेक्शन हमेशा एक चीज से रहा, क्योंकि व्हाट आई हैव लर्न, जब गीता जी की भी हम बात करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है भगवद गीता, पर दिया उस व्यक्ति को जा रहा है जो आगे जाके राजा बनेगा. भगवान ने अर्जुन से नहीं कहा था कि वो अपना ऐश्वर्य त्याग दे, वो जंगल चले जाए, वो वैराग्य ले ले. भगवान ने कहीं भी नहीं कहा. भगवान ने कहा अपना कर्म करते रहो. अब एक राजा है, क्या वो सोने के जेवर नहीं पहनते थे, क्या वो मुकुट नहीं पहनते थे? पर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का असली अर्थ है कि आप चीजें खरीद सकते हैं, चीजें आपको ना खरीदे. वो लिमिट, वो बाउंड्री आध्यात्मिकता ने मुझे हमेशा दी है कि चीजें मुझे उतना परेशान ना करे, चीजें मुझे ना खरीद ले, परिस्थितियां खुशी या दुख ना तय करे. मैं जब कुछ नहीं था तब भी हम इतने खुश थे, और जब भगवान की कृपा से कुछ चीजें हैं तब भी हम उतने ही खुश हैं. चीजों से खुशी नहीं आती, पर एक आरामदायक जीवन आता है, जो सीख मैं आपको कथा में देती हूं. तो अगर रियल में आप मेरी बात सुन के कहेंगे कि अरे ये हमें ये कहते, तो मैंने तो आपको मेहनत करने और पैसे कमाने कहा है, तो प्लीज आप वो करिए रादर देन जस्ट ट्रोलिंग समवन एल्स. जैसे अगर अभी आपने ट्रोलिंग की बात की, तो वो ब्रांडेड बैग आपने कहा कि उसमें कहीं भी लेदर नहीं है, लेकिन ट्रोलिंग शुरू हुई है कि जिसमें एक ब्रांड का नाम दिखाई दे. मुझे देखिए, मुझे नहीं पता ये, क्योंकि ये बैग बहुत सालों से है मेरे पास, अभी नहीं है. सो मुझे नहीं लगता कि ये अभी की कोई बात है. वेदर इट इज सम एजेंडा, वेदर इट इज सम पेड पीआर नेगेटिव पब्लिसिटी, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, मुझे नहीं पता. क्योंकि ये बहुत पहले से है, बहुत पहले से. और यहां तक कि ऐसा नहीं पहली बार दिखा है, मैंने कई बार खुद पिक्चर्स अपलोड की. जब मैं एयरपोर्ट पे होती हूं तो आप कई बार अपलोड करते हैं, अरे फ्लाइट लेट हो गई, तो आप अपने लगेज का ही फोटो अपलोड करते हैं, खुद का मैंने बहुत बार किया है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कभी ये बात नहीं उठी, पर आज अचानक से ये बात उठना और एक ही बात पे बार बार जोर देना, जबकि एक स्टोरी पे भी आई हैव ऑलवेज क्लैरिफाइड कि नहीं है,
लेकिन बस यही बात है कि ये वीडियो भी और वो स्टोरी भी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मुझे जानते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, जो शायद मुझ पे थोड़ा भरोसा करते हैं और जो शायद अभी मेरे बदले पे काफी बातें इंटरनेट पे कर भी रहे हैं, तो सिर्फ उनके लिए, ताकि उनको एक विश्वास आ सके कि हाँ हम जिस पर विश्वास करते हैं वो सही है, बाकी उनके लिए नहीं जो मुझे नहीं समझना चाहते या मुझे नहीं पसंद करते। क्योंकि जो नहीं समझना चाहते, नहीं पसंद करते, आप उनको कितना भी कह लीजिए वो नहीं पसंद करेंगे। तो मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती, पर ये वीडियो सिर्फ उनके लिए जो प्यार करते हैं मुझसे, कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगी। मैंने 22 साल पहले कार्य शुरू किया था, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि मैं उस 22 साल की तपस्या भक्ति को ऐसे जाया जाने दूंगी। तो कथा करने से पहले भी मैंने ऐसी चीजें यूज नहीं की थी, कथा करते वक्त भी, और आगे की अपनी तो गारंटी दे सकती हूं कि मैं नहीं करूंगी। सो इट इज प्योरली अ कस्टमाइज्ड फैब्रिक बेस्ड बैग। बस अब धन की बात तो मैंने जब क्लियर कर ही दिया है कि मैं साध्वी संत साधु नहीं हूं, तो आप क्यों मुझे उस पेडेस्टल पे बैठाएंगे कि अरे आप तो संत हैं। आप, मैं नहीं हूं संत, मैं आप जैसी बच्ची हूं, जैसे आपके घर के बच्चे हैं बिल्कुल वैसी हूं, परिवार के साथ रहती हूं। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम, और ये मैंने बहुत इंटरव्यूज में कंटिन्यूअसली बोला है, तो जिनको समझना होगा वो समझ जाएंगे, और नहीं तो आप कितनों को बार बार सफाई देंगे। आपने कहा कि मंशा के तहत कोई टारगेट कर रहा है, इशारा क्या आपका किसी की तरफ है? कोई इशारा मुझे नहीं, क्योंकि मुझे ये बात इसलिए लग रही है क्योंकि अचानक कैसे जो बात, जो चीज मेरे पास इतने समय से है, जो चीज सबको दिख रही है, लेकिन अचानक से उस चीज के ऊपर बात उठाना और क्लैरिफाई करने के बाद भी करते रहना, और ऐसे ऐसे पेजेस का इसको अपलोड करना जिनका शायद बहुत समय से, हमेशा से जो सनातनी है वो टारगेट में रहे हैं। बिकॉज जब हमने उनके पेजेस को सर्च किया, जो हमारी सोशल मीडिया एजेंसी है वो सर्च कर रही है, तो बैक टू बैक देख रहे हैं कि जब भी कोई सनातनी कोई अच्छा कार्य करने का कोशिश करता है वो उन्हीं को टारगेट करते हैं। वो जान मुझ के ऐसी चीजें उठा के लाते हैं जो उनके काम से जुड़ी नहीं है, कि वो क्या बोलते हैं, वो कितने लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, भगवान की बात पहुंचाते हैं, वो उनका क्वेश्चनिंग नहीं है, पर पर्सनल लाइफ में क्या है वो ज्यादा उनका क्वेश्चनिंग होता है। और सिर्फ मेरा नहीं, जो भी सनातन धर्म को अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इन्यूमरस पेजेस हैव अपलोडेड जिनका कोई लेना देना नहीं है स्पिरिचुअलिटी से, दे हैव अपलोडेड थिंग्स ऑन स्पिरिचुअलिटी, जिनका इनसे पहले शायद अगर पोस्ट देखा जाए तो आई वुड से ऐसे पोस्ट है जो सोसाइटी को एक्चुअली खराब करने का काम करते हैं, पर अचानक से नाउ दे हैव चेंज्ड एंड उनको सोसाइटी बेहतर करने पर काम करना है। सो अगेन इसीलिए मैंने कहा कि मैं उन लोगों को नहीं समझा सकती और उनके लिए ये वीडियो है भी नहीं, ये सिर्फ उनके लिए है जो समझना चाहते हैं, ये उनके लिए है जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं। तो आप विश्वास करिए, मैंने आपका विश्वास नहीं तोड़ा है। मैम आपके लिए एक ये भी बोला जा रहा है कि आपने एयरपोर्ट रिलेटेड एक वीडियो था जो कि अपलोड करके फिर उसको डिलीट कर दिया। नहीं जी नहीं, मैंने पहली बात तो खुद डिलीट क्यों करूंगी, मैंने अपलोड ही नहीं किया था। तो हम चंडीगढ़ में थे, बीपराग जी ने, एक बहुत अच्छे कथाकार है इंद्रीश जी, उनकी कथा कराई थी और हमें निमंत्रण भेजा था कि हम भी उस कथा में एक हिस्सा बने, और मैं उसी कथा को सुनने के लिए गई हुई थी। और मैं वापस आ रही थी तो एयरपोर्ट पे कोई एक व्यक्ति खड़ा था जिसने वीडियो बनाया, आप देखेंगे भी अगर वीडियो में, तो मैंने उनको, वो मुझे नमस्ते शायद कर रहे थे, तो मैंने उनको स्माइल भी किया, और उन्होंने कहा मीडिया से है, तो मैंने इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं किया और मैं चली गई। उन्होंने ही वो वीडियो अपलोड किया कि चंडीगढ़ में किशोरी जी आई हुई थी, एंड देन आई थिंक जो रिएक्शन हुआ या जो भी हुआ उसके बाद, वो डर के मारे शायद उन्होंने कुछ डिलीट कर दिया होगा, और लोग कह रहे हैं कि मैंने पहले वीडियो अपलोड किया और मैंने डिलीट किया। तो अगर आप अगेन मेरे पेज पे जाएंगे तो मेरे पेज का एक ग्रिड है, एक थीम है, और वो थीम है, पहला पोस्ट कोट्स होते हैं, दूसरा मोटिवेशनल रील्स होती है, तीसरा कथा की रील्स होती है, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं डालती। तो मैं ऐसी चीज कभी नहीं डालती, जो मैंने डाला नहीं मैं वो डिलीट क्यों करूंगी। तो आप अगर ये भी सोच रहे हैं कि ठीक है हम आपकी सारी बात मान जाते हैं, लेकिन आपने डिलीट क्यों किया, तो ये मैंने वो वीडियो कभी अपलोड नहीं किया। आई डोंट नो वो कौन सा मीडिया हाउस है जो उस दिन एयरपोर्ट पे था, पर एक ही व्यक्ति था जिसने वो वीडियो बनाया था ये कहकर के हम मीडिया से है, तो उन्होंने ही डाला और उन्होंने ही अपलोड किया, नहीं किया, डिलीट किया, आई हैव जीरो आइडिया, पर मैंने नहीं किया।